हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम। आई एम रिचा और आज हम लेकर के आए हैं मंथली करंट अफेयर्स सीरीज का लेक्चर नंबर 2। पहले लेक्चर में हमने इम्पॉर्टेंट डेज और उनसे रिलेटेड थीम और जो भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो याद की थी और आपने टेस्ट दिया था और बहुत अच्छा स्कोर किया था। क्लैपिंग फॉर ऑल ऑफ यू। आज का जो सेशन है मंथली करंट अफेयर्स सेप्टेम्बर 2021 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम सारी मिसलेनियस कैटेगरी कवर करेंगे जिसमें बुक्स एंड ऑथर्स, अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन, अपॉइंटमेंट्स, स्पोर्ट रिलेटेड सारी न्यूज़, ये सब आज हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे और जहां जहां भी निमोनिक्स लगाने की जरूरत होगी वहां हम निमोनिक्स से याद भी करते चलेंगे। फिर इसके बाद दो वीडियोस और आनी है मंथली करंट अफेयर्स में, एक आएगा नेशनल एंड स्टेट इंपॉर्टेंस की न्यूज और एक आएगी इंटरनेशनल फाइनेंस बैंकिंग एक्सेट्रा वाली न्यूज। ठीक है, तो चलो विदाउट फर्दर डिले लेट अस स्टार्ट विद टुडेस सेशन। और तो विल बी स्टार्टिंग विद द बुक्स एंड ऑथर्स कैटेगरी सबसे पहले, और जो दो किताबें आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं वो रिसेंटली लॉन्च्ड हैं। और हमें क्या क्या पूछा जाता है बुक एंड ऑथर में, या तो बुक दे देंगे, ऑथर पूछ लेंगे, ऑथर देके बुक पूछ लेंगे, एनीथिंग कैन बी आस्क्ड। तो सबसे पहली किताब आ रही है नो योर राइट्स एंड क्लेम देम अ गाइड फॉर यूथ, और ये लिखी है हु इज द ऑथर ऑफ दिस बुक, एंजेलिना जोली। एंजेलिना जोली, सो हम कैसे याद रखेंगे एंजेलिना जोली को या जेलो जो हम बोलते हैं। सो नो योर राइट्स एंड क्लेम देम अ गाइड फॉर यूथ, अपने राइट्स जानो, उनको क्लेम करो, और यूथ के लिए ये है तो यूथ के अंदर बहुत पॉपुलर रही हैं एंजेलिना जोली। उस तरह से आप एक छोटा सा हिंट लेके याद कर सकते हो, ग्लैमरस फेस वैसे भी याद रह जाते हैं, सिंपल एज दैट। देन अ रूड लाइफ द मेमोयर वीर सांघवी, अ रूड लाइफ द मेमोयर वीर सांघवी। अब कीवर्ड्स आप क्या ले सकते हो, रूड लाइफ के लिए रूड आपका कीवर्ड हो सकता है, वीर सांघवी वैसे भी नोन पर्सन है, स्टिल आप वीर ले सकते हो। तो अधिकतर जो वीर लोग होते हैं उनको रूड पोर्ट्रे कर लिया जाता है, कोई स्ट्रांग होता है तो उसको रूड मान लिया जाता है बातचीत में भी, तो आप रूड और वीर का एक छोटा सा एसोसिएशन दिमाग में रख सकते हो, अ रूड लाइफ द मेमोयर बाय वीर सांघवी। ओके, आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम छोटे छोटे से हिंट्स पिक करेंगे और उन्हीं से हम आंसर तक पहुंचने में कामयाब हो जाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। फिर आता है गीत गोविंद जयदेव डिवाइन ओडिसी, गीत गोविंद जयदेव ने लिखी थी। ओके, ये किताब पहले ही लिखी जा चुकी है, बहुत पहले। अब इसके ऊपर लिखा गया है, सो हु हैज़ रिटन, डॉक्टर उत्पल के बैनर्जी ने लिखी है गीत गोविंद जयदेव डिवाइन ओडिसी, और इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है बिकॉज इसको लॉन्च किसने किया है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर श्री कृष्ण रेड्डी गंगापुरम जी ने इसको लॉन्च किया है। ओके, अब सब इसमें देखो बहुत सारी जगह भगवान के नाम आएंगे, जैसे गीत गोविंद इज बाय जयदेव, ये तो सबको पता होगा, नहीं पता तो गोविंद की जय हम बोल रहे हैं, और गोविंद का ही एक नाम है कृष्ण, तो कृष्ण रेड्डी जो यूनियन मिनिस्टर फॉर कल्चर उन्होंने लॉन्च की है, तो ये तो कहानी हो जाएगी यहाँ से कि डॉक्टर उत्पल के बैनर्जी आपको थोड़ा सा सीधे याद रखना पड़ेगा कि आज के इस पल में भी हम गीत गोविंद को याद रखें, इस किताब को याद रखें, इसके लिए किताब वापस से लिखी गई है या उसके बारे में लिखा गया है और लॉन्च की गई है। ठीक है, सो पल से आप उत्पल थोड़ा सा हिंट पिक कर सकते हैं। फिर हम आते हैं शाइनिंग यूथ ऑफ इंडिया डॉक्टर प्रभलीन सिंह, शाइनिंग यूथ सिख यूथ ऑफ इंडिया, सॉरी शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया बाय डॉक्टर प्रभलीन सिंह, और इसको लॉन्च किसने किया है, राजनाथ सिंह जी ने, जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं। ओके, सो शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया, पर्टिकुलरली सिख यूथ के बारे में बात हो रही है, तो हम यहाँ से दो कीवर्ड ले सकते हैं, सिख यूथ और प्रभलीन। प्रभलीन मतलब होता है प्रभु में जो लीन है, यानी ध्यान प्रभु के अंदर ही लगा हुआ है, तो सिख यूथ आज भी बहुत ज़्यादा डिवोटेड होता है रिलीजन को लेकर के, अपने रिलीजियस प्रीचिंग्स और फॉलोइंग को लेकर के, तो आप ऐसे याद रख सकते हो सिख यूथ बहुत ज़्यादा प्रभलीन यानी प्रभु में लीन होता है, यहीं से आपको हिंट मिल जाएगा दैट शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया बाय डॉक्टर प्रभलीन सिंह। ठीक है, छोटे छोटे हिंट्स हैं, ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत छोटे से हिंट्स हैं, आपको बुक और ऑथर जो भी कुछ पूछा जाएगा वो ऑप्शन में होंगे, आपको सिर्फ राइट मार्क करना होता है। फिर हम आते हैं ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया, ह्यूमन राइट्स यानी मानवाधिकार होते हैं, ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया, और ये किसने लिखी है, बीजेपी एमपी सुब्रमण्यन स्वामी ने ये किताब लिखी है, सुब्रमण्यन स्वामी। सो इसके लिए ऐसा कुछ निमोनिक नहीं है, हम थोड़ा सा दिमाग में बिठा सकते हैं कि टेररिस्ट लोगों के कोई ना कोई स्वामी होते हैं, तभी टेररिज्म फैला जाता है, और उसे ह्यूमन राइट्स भी कई जगह कर्टेल या कर्ब या खत्म या खारिज होती हैं। ठीक है, तो ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया और सुब्रमण्यन स्वामी, और इन्हीं की एक बहुत इंपॉर्टेंट या अनदर इम्पॉर्टेंट बुक है जो आपको पता होनी चाहिए, द आइडियोलॉजी ऑफ इंडियाज मॉडर्न राइट। तो जहाँ ये ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं वहीं इनकी एक और किताब है जो आइडियोलॉजी ऑफ
इंडियाज मॉडर्न राइट पे बात करती है, ठीक है। तो ये राइट्स से रिलेटेड किताबें सुब्रमण्यम स्वामी जी से थोड़ा सा आप दिमाग में रखेंगे। अगली किताब आती है भाई जंपा लाहिरी, ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स, ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स बाय जंपा लाहिरी। और जंपा लाहिरी के बारे में आप जानते होंगे, कई बार हमने डिस्कशन भी किया है, पुलित्जर प्राइस फिक्शनल राइटर हैं। और ये जो किताब है ये अभी लॉन्च नहीं हुई है, 2022 के अंदर स्प्रिंग सीजन में लॉन्च होने की बात है। सो कैसे याद रख सकते हैं जंपा लाहिरी, तो देखिए आप लोग किस तरह की एक्सेसरीज पहनते हो, बॉयज़ भी पहनते हैं गर्ल्स भी पहनती हैं, वॉच हो गई शूज़ हो गए, कहते हैं ना कि आपकी एक्सेसरीज आपके कपड़े आपकी पर्सनालिटी का थोड़ा सा रिफ्लेक्शन देते हैं। सो जंपा लाहिरी से हम क्या लेते हैं, हमेशा झुमका लेते हैं, है ना। तो किस तरह की गर्ल्स झुमके पहनती हैं उनसे भी कहीं ना कहीं ट्रांसलेट होती है उनकी पर्सनैलिटी या फिर उनके थॉट्स, ऐसा हम हिंट बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं ऐसा होता हो पर हम हिंट बना लेते हैं। सो ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ, मैं क्या हूँ, मुझे ट्रांसलेट कौन कर रहा है, मेरा झुमका कर रहा है, इस तरह से हम याद रख सकते हैं जंपा लाहिरी ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स। ओके, नेक्स्ट द बुक विच इज कमिंग इज द फ्रैक्चर्ड हिमालया, इंपॉर्टेंट है। ओके, द फ्रैक्चर्ड हिमालया इंडो चाइना तिब्बत से की थीम पे बेस्ड है और निरुपमा राव ने लिखी है, निरुपमा राव। तो अब इसमें हम ले सकते हैं नीरो, नीरो निरुपमा नहीं रो, ओके। फ्रैक्चर्ड हिमालय, हिमालय फ्रैक्चर हो गया है, ऐसे आप पिक्चराइज कर लीजिए, पाउंड टूट गया हिमालय का और हम बोल रहे हैं नहीं रो हिमालय, ओके। सो नीरो से निरुपमा राव, छोटा सा हिंट आपके काम का जाए हो जाएगा। द लॉन्ग गेम, हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विथ इंडिया, द लॉन्ग गेम, बुक का नाम है द लॉन्ग गेम। और इसमें जो सब टाइटल सॉर्ट ऑफ होता है वो ये है, हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विथ इंडिया, और ये लिखी है विजय गोखले ने, विजय गोखले। सो द लॉन्ग गेम, द लॉन्ग गेम, और गोखले खेले, चलो लॉन्ग गेम खेलते हैं, बस ये छोटा सा हिंट काम कर जाएगा। द लॉन्ग गेम, हाउ चाइना नेगोशिएट विद इंडिया, गोखले खेले, आओ लॉन्ग गेम खेले, विजय गोखले। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अगली दो किताबों पे, पहली है द बैटल ऑफ रेजांगला, रेजांगला, ला मतलब पास, पहाड़ियों में जो दर्रे होते हैं पास होते हैं उनको ला बोला जाता है। द बैटल ऑफ रेजांगला कुलप्रीत यादव ने लिखी है और ये भी इंडो चाइना वॉर से रिलेटेड किताब है, बेस्ड ऑन 1962 इंडो चाइना वॉर। सो हम याद कर रहे हैं इंडो चाइना वॉर और रेजांगला, यानी उस पूरे एरिया से रिलेटेड कुछ, तो याद कर रहे हैं इसे यादव, एक छोटा सा हिंट शायद आपके काम आ जाए। सो कुलप्रीत यादव, ओके, कुलप्रीत यादव, इंडो चाइना वॉर पे बेस्ड, रेजांगला, द रेजांगला, द बैटल ऑफ रेजांगला। फिर आता है बुक टाइटल पिरानेसी, पिरानेसी जो किताब है ये सुजैना क्लार्क ने लिखी है, सुजैना क्लार्क इंडियन नहीं है ऑफ कोर्स, बाहर की हैं, और इन्होंने हाल ही में इस किताब के लिए एक बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड जीता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है किताब। यूके वुमेन्स प्राइज फॉर फिक्शन 2021 इनको मिला है, और 1996 के बाद ये जो अवार्ड है ये सॉरी 90 के बाद नहीं, सिंस 1996 से अवार्ड चल रहा है, ये उस फीमेल को दिया जाता है किसी भी नेशनैलिटी के हो जिसने इंग्लिश के अंदर कोई फुल फ्लेज्ड नॉवल लिखी हो, ओके। सो यूके वुमेन्स प्राइज फॉर फिक्शन 2021 मिला है पिरानेसी के लिए सुजैना क्लार्क को। अब याद कैसे करेंगे आप इसको, तो देखिए पिरानेसी, पिरानेसी जब आप बोलते हो तो पिराना, पिराना एक फिश होती है बहुत ज़ोर से काटती है, पिराना, अब बहुत सारी जो हॉरर मूवीज़ होती हैं उनमें पिराना कई बार दिखा दी जाती है, तो पिरानेसी से आप पिराना ले सकते हो, और पिराना काट काट के सुझा देती है, सुझाना समझते हो, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सुझा देती है, सो पिरानेसी सुजाना, तो सुजाना, सुजाना क्लार्क, ओके। अगेन अ वेरी लिटिल मिनिस्क्यूल हिंट, पर ये छोटे छोटे हिंट छोटे छोटे दिमाग में इमेजिनेशंस बहुत असरदार होते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट बुक्स एंड ऑथर्स इंपॉर्टेंट जो सितंबर 2021 में लॉन्च हुई या अनाउंस हुई कि लॉन्च होंगी। अब हम चलते हैं अगली कैटेगरी पे विच इज अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन। चलिए, तो सबसे पहला सवाल आ रहा है और बहुत ही ब्यूटिफुल फोटोग्राफ के साथ आ रही है ये न्यूज, विच इज Who won the Bird Photographer of the Year 2021 Award? यानी कि Bird Photographer 2021 का Award Year Award for the Year 2021 किसने जीता? Answer is Mexico's Alejandro Prieto. ये Alejandro लग रहा होगा आपको, लेकिन इसको Alejandro प्रोनाउंस करते हैं, Alejandro Prieto, और ये पिक्चर है जिसने Bird Photographer of the Year Award जितवाया है इनको। ये एक रोड रनर है और ये जो वॉल आपको दिख रही है यूएस और मैक्सिको के बीच की वॉल है, और ये चिड़िया इस तरह से देख रही है कि ओ माय गॉड ये कब से कहाँ से आ गई। सो दिस इमेज जिसको नाम दिया गया ब्लॉक्ड, रास्ता ब्लॉक है, ओके, और इससे इनको ये पुरस्कार मिला है, Alejandro Prieto। सो व्हाट अ प्रिटी पिक्चर, ऐसे आप याद
रखना चाहें तो रख सकते हैं। अगला सवाल आ रहा है, विच इंस्टीट्यूशन फ्रॉम इंडिया हैज़ वन यूनेस्को लिटरेसी प्राइज 2021, यानी कि यूनेस्को का लिटरेसी पुरस्कार, यूनेस्को का साक्षरता पुरस्कार 2021 इंडिया के किन संस्थान ने या किस ऑर्गेनाइजेशन ने या इंस्टीट्यूशन ने जीता है? आंसर इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। जो बच्चे नॉर्मल जो CBSE या स्टेट बोर्ड से एग्ज़ाम नहीं देते, वो ओपन स्कूलिंग से एग्ज़ाम देते हैं, है ना, आपने देखा होगा कई बार। और कई केसेस में जो स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं या चिल्ड्रन विद सर्टेन डिसेबिलिटीज़ होते हैं या जो होम स्कूलिंग भी कर रहे होते हैं फॉर दैट मैटर, वो ओपन स्कूल से एग्ज़ाम देते हैं, नॉर्मल बच्चे भी। तो इस NIOS यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ओपन स्कूलिंग, जो कि एक ऑटोनॉमस बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के ही अंडर में, उसको ये लिटरेसी प्राइज दिया गया है। इन विच कैटेगरी? इनोवेशन इन एजुकेशन, एजुकेशन में इनोवेशन करने के लिए, कुछ नवीनता लाने के लिए, और जो स्पेशल चिल्ड्रन हैं उनको डिजिटल एजुकेशन से जोड़ने के लिए बेसिकली ये दिया गया है। तो ये यूनेस्को किंग सेजोंग लिटरेसी प्राइज 2021 कैटेगरी के अंतर्गत दिया गया, और NIOS जो है इंडिया का, उसको ये लिटरेसी प्राइज मिला है। कौन से प्रोग्राम के लिए? इनेबलिंग एजुकेशन। इनेबलिंग का मतलब क्या होता है? हेल्पिंग। इनेबलिंग एजुकेशन of persons with disability through technology enabled inclusive learning material. Inclusive मतलब जो normal बच्चे पढ़ रहे हैं वही special बच्चे भी पढ़ रहे होंगे, inclusive with special focus on sign language based content. Sign language से बच्चे जो पढ़ते हैं, okay, so इसके लिए NIOS, that is National Institute of Open School, को UNESCO की तरफ से literacy prize 2021 मिला है। Next आते हैं, कौन सा रेलवे स्टेशन है हाल ही में जिसको 5-star ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट मिला है FSSAI से? अभी तक 4 ऐसे रेलवे स्टेशन थे जिनको ये सर्टिफिकेट मिल चुका है, ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट, यानी आप यहाँ जो भी खाना है वो बिल्कुल बढ़िया है, आप आराम से खाओ, एकदम हेल्दी है, स्वच्छ है ना, तो ये सर्टिफिकेट रैंकिंग मिलती है, 5-star मिले हैं पूरे। कौन से रेलवे स्टेशन को हाल ही में? क्योंकि हम अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन पढ़ रहे हैं इसलिए यहाँ पे हमने लिया है। तो आंसर इज चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन, और ये बन जाता है 5वां ऐसा रेलवे स्टेशन जिसको FSSAI से ये सर्टिफिकेशन मिला है। FSSAI क्या है? सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फूड यहाँ से मिस हो गया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है और ये सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड करती है, और एक तरह से जो भी सेट बेंचमार्क्स हैं कि क्या क्या होना चाहिए इस सर्टिफिकेट या 5 रैंकिंग को लेने के लिए, वो सारे बेंचमार्क्स अगर पूरा करता है रेलवे स्टेशन तो वो उसको मिल जाएगी। ओके, इन प्रोवाइडिंग सेफ एंड होलसम फूड, सेफ भी हो, न्यूट्रिशियस भी हो, होलसम यानी उसमें सारे गुण हो, टू पैसेंजर्स एज पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के अकॉर्डिंग जो भी बेंचमार्क्स हैं अगर वो पूरे करता है कोई रेलवे स्टेशन तो ये सर्टिफिकेशन उसको मिलता है। और इससे पहले 4 कौन से रेलवे स्टेशन है वो भी देख लेते हैं फटाफट। तो 1 आएगा दिल्ली में, 2 आएंगे मुंबई में, और 1 आएगा गुजरात के अंदर, आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन दिल्ली का, छत्रपति शिवाजी मुंबई में, मुंबई सेंट्रल मुंबई में, और वडोदरा रेलवे स्टेशन गुजरात में। ठीक है, चलिए फिर हम आते हैं, नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2020 दिए गए किसके द्वारा? राष्ट्रपति जी के द्वारा। किन को दिए जाते हैं अवार्ड? सबसे पहली बात तो ये हो जाती है, तो ये नर्सिंग स्टाफ को दिए जाते हैं। ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक नर्स थी जो वॉर में जो भी घायल लोग होते थे उनकी सेवा करती थी, तो उन्हीं के नाम पे उन्हीं से इंस्पायर्ड ये अवार्ड्स अनाउंस किए गए थे, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने ये अवार्ड दिए, कितने लोगों को मिले टोटल? 51 लोगों को इस बार दिए गए 2020 वाले अवार्ड्स। ओके, और ये जो अवार्ड्स हैं 1973 में स्टार्ट हुए थे गवर्नमेंट की तरफ से, मेरिटोरियस सर्विस जो नर्सेज देती हैं सोसाइटी को, उनको अक्नॉलेज और प्रेज करने के लिए। ठीक, ओके, नेक्स्ट चलते हैं, रेमंड मैग्सेसे अवार्ड्स। रेमंड मैग्सेसे अवार्ड्स को कहा जाता है कि जैसे नोबेल प्राइज़ है, वैसे एशिया के नोबेल प्राइज़ अगर हम कहना चाहें तो हम रेमंड मैग्सेसे को कहते हैं, बिकॉज ये बहुत हाई लेवल ऑफ प्रेस्टिजियस अवार्ड्स माने जाते हैं, वेरियस कैटेगरी में दिए जाते हैं। सो हाल ही में अनाउंस हुए और 5 लोगों को रेमंड मैग्सेसे मिला, इंडिया से कोई नहीं रहा, लेकिन कहाँ कहाँ से रहे? फिलिपीन, फिलिपीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, साउथ ईस्ट एशिया और इंडोनेशिया, साउथ ईस्ट एशिया एंड इंडोनेशिया, ये 5 जगह हैं जहाँ से लोगों को या ऑर्गेनाइजेशन को अवार्ड मिला, जैसे कि रॉबर्टो का दोदोई बलोन, ये हैं फिलीपींस के, इनको मिला, फिशरमैन कम्युनिटी एनवायरमेंटलिस्ट हैं ये, और इनको इनके सर्विसेज के लिए अवार्ड मिला। मोहम्मद अमजद साकिब पाकिस्तान के हैं और इनको पॉवर्टी एलिवेशन
से रिलेटेड ये काम करते हैं, फिरदौसी कादरी वैक्सीन से रिलेटेड वर्क इन्होंने जो किया बांग्लादेश से हैं उसके लिए इनको अवार्ड दिया गया है, स्टीवन मंसी या म्यूनसी साउथ ईस्ट एशिया के एंड ह्यूमैनिटेरियन है, पीस बिल्डिंग का काम करते हैं, एंड वॉच डॉग इंडोनेशिया दैट इज़ वन ग्रुप, बेसिकली मीडिया ट्रुथ क्रुसेडर्स हैं, इनको इन पांचों लोगों और ऑर्गेनाइजेशंस को रेमन मैक्सेसे अवार्ड इस बार दिया गया। ठीक है, रेमन मैक्सेसे के बारे में देख लीजिएगा, दैट एशियाज प्रीमियम प्राइज एंड हाइएस्ट ऑनर इसे कहा जाता है, इट इज़ कंसिडर्ड पैरेलल टू नोबेल प्राइज। गुड, नेक्स्ट हम आ जाते हैं, विच फुटबॉलर या फुटबॉल प्लेयर हैज़ बीन ऑनर्ड बाई गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स फॉर बिकमिंग हाइएस्ट गोल स्कोरिंग फुटबॉल प्लेयर। सबसे ज़्यादा गोल स्कोर करने वाले इंटरनेशनल फुटबॉल के अंदर कौन से प्लेयर हैं जिनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने एक सर्टिफिकेट दिया है? आंसर इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो, पोर्टुगीज फुटबॉल प्लेयर, 111 गोल्स इन्होंने टोटल किए और उसकी वजह से इनको ये सर्टिफिकेट दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, विच इंडियन बीचेस हैव रिसेंटली गॉट द इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशन होता है, बहुत आसानी से नहीं मिलता है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है इंडिया की दो और बीचेस को, पहले 8 बीचेस के पास ये था और वो भी फर्दर रिन्यू हो गया, बिकॉज ये रिन्यू होते हैं, ऐसा नहीं एक बार मिल गया तो हमेशा के लिए रहेगा आपके पास, तो वो भी रिन्यू हो गए 8 और ये दो और बीचेस को मिल गया है। कौन सी वो दो बीचेस हैं ये आपसे सवाल किया जा रहा है। आंसर इज कोवलम बीच इन तमिलनाडु एंड ईडन इन पुडुचेरी। कोवलम एंड ईडन बीचेस को मिला है, एंड इको लेबल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन कौन देता है? फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन इन डेनमार्क, FEE, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन इन डेनमार्क ये देती है सर्टिफिकेशन। टोटल अब 10 बीचेस हैं जिसके पास ब्लू फ्लैग है इंडिया के अंदर। वो सारी लिस्ट यहाँ दी हुई है, आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो नोट्स से पढ़ सकते हो। नोट्स में आपको बता दूं कि वेबसाइट पे अभी आपको इंडिविजुअल कैटेगरी के नोट्स, ये वाले मंथली PDF नहीं मिल रहे हैं। रीजन बीइंग, अभी इंपॉर्टेंट डेज हमने पढ़े, फिर आज वाला वीडियो है, नेशनल एंड स्टेट आएगा, इंटरनेशनल आएगा, चारों का मिला के एक कंसोलिडेटेड PDF आपको मिलेगा, लेकिन डेट वाइज कंपाइलेशन आ चुका है वेबसाइट पे, आप चाहें तो वहाँ से ले सकते हैं। एंड जिनके पास एनुअल पैकेज है, जो आपने परचम ऐप से लिया होगा जिसमें पूरे साल के सभी सब्जेक्ट्स के PDF आते हैं जो हम पढ़ाते हैं, तो उसमें तो ऑटोमेटिकली जो जो हम पढ़ाते जाते हैं जुड़ता जाता है। चलो अब क्योंकि एनवायरमेंट से रिलेटेड चीज़ है तो देख लीजिए, मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज श्री भूपेंद्र यादव। ओके, मैंने सारे यूनियन मिनिस्टर याद करवाए थे आपको टेक्निक से, आई रियली होप आपने वो वीडियो देखा है, काफी सारे बच्चों ने देखा है, अगर किसी ने नहीं देखा देख लीजिएगा, इट विल बी यूजफुल। फिर हम आते हैं नेम इंडियाज हाइएस्ट साइंस अवार्ड, इंडिया का हाइएस्ट साइंस अवार्ड या साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवार्ड, विच हैज बीन रिसेंटली अनाउंस फॉर 11 साइंटिस्ट। 11 साइंटिस्ट को हाल ही में यह अवार्ड मिला है, उस अवार्ड का नाम आपसे पूछा जा रहा है। आंसर इज शांति स्वरूप भटनागर प्राइज। साइंस को यूज में लो लेकिन शांति से यूज में लो, धूमधाम के लिए मत यूज में लो, ठीक है, इससे आप याद रख सकते हैं। और 80th फाउंडेशन डे CSIR का जो है, यानी काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, उसके 80th फाउंडेशन डे पे ये अनाउंस किए गए और 11 साइंटिस्ट को इस बार शांति स्वरूप भटनागर प्राइज मिला। और इसके लिए कैटेगरी क्या होती है या एलिजिबिलिटी क्या होती है? द साइंटिस्ट शुड बी बिलो द एज ऑफ 45 और उन्होंने 7 फील्ड में से किसी एक फील्ड में बहुत आउटस्टैंडिंग काम किया हुआ हो, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, एनवायरनमेंट साइंस, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, मेडिसिन या फिजिक्स में से, तो उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट, हु हैज़ वन 2021 ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड। गोलकीपर अवार्ड क्या है? गोलकीपर अवार्ड बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं, जो UN ने सेट किए हुए हैं, उनके टूवर्ड्स काम करने के लिए गोलकीपर्स असाइन किए जाते हैं, जो एक तरह से देखेंगे कि किस तरह से काम चल रहा है, नहीं चल रहा है टारगेट्स के टूवर्ड्स। सो 2021 ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड हाल ही में किसने जीता है? आंसर है फॉर्मर UN अंडर सेक्रेटरी जनरल, अभी UN विमेन को हेड करती हैं ये, फुम्जले मलाम्बो नकुगा। ओके, सो शी हैज़ बीन एन इक्वल इन रैंक टू अंडर सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस,
ओके, और अभी ये यूएन वुमेन को देख रही हैं और इनको ये मिला है अवार्ड। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ये अवार्ड अनाउंस करती है। एंड मैंने आपको बता दिया कि ये जो गोल कीपर्स होते हैं ये देखते हैं कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सेट किए गए हैं उनके टूवर्ड्स हम कितना बढ़ रहे हैं कितना नहीं बढ़ रहे हैं, दे विल मेक श्योर दैट वी मूव टूवर्ड्स। ओके, तो ये थे अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन जितने भी इंपॉर्टेंट थे फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2021। अब हम चलते हैं अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशंस। रेजिग्नेशंस बेसिकली टर्म मैंने इसलिए यहाँ पे डाली है, कुछ लोग रिजाइन करते हैं तो कुछ लोगों को अपॉइंट किया जाता है या कुछ लोगों को हटा दिया जाता है और अपॉइंट किया जाता है, तो एक तरह से पैरेलली ये चलेंगे। सो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इक्विटास स्मॉल बैंकिंग स्मॉल फाइनेंस बैंक ने ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे किनको अपॉइंट किया है। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, ओके, तो दो लोगों को इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। सबसे पहले हॉकी से रिलेटेड रानी रामपाल एंड क्रिकेट से रिलेटेड स्मृति मंधाना। तो अब कैसे याद रख सकते हो आप, स्मॉल फाइनेंस है, देखो भाई कोई बड़ा बड़ा फाइनेंस नहीं है, फीमेल हॉकी और फीमेल क्रिकेट बहुत बड़े फाइनेंस पे काम नहीं करते हैं, तो स्मॉल फाइनेंस इक्विटास स्मॉल फाइनेंस हॉकी प्लेयर और क्रिकेट प्लेयर। तो हॉकी और क्रिकेट बोलते ही आपको रानी रामपाल और स्मृति मंधाना याद आ जाएंगे, थोड़ा सा हिंट चाहिए होता है। फिर आते हैं टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो नीरज चोपड़ा को, ओके, नाउ ही इज़ अ वेरी वेल नोन फेस, तो इनके लिए आपको कुछ टेक्निक की ज़रूरत नहीं है। आप ये देख सकते हो टाटा AIA जब वो भाला फेंका जाता है तो हमने टाटा कर दिया भाले को कि बहुत दूर जाके गिरेगा ना, जल्दी तो गिरेगा नहीं, तो टाटा कर दो जाता रहेगा, नीरज चोपड़ा का भाला है क्योंकि। सो टाटा AIA इंश्योरेंस ने नीरज चोपड़ा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। फिर आते हैं मास्टर कार्ड अपॉइंटेड होम एज द ग्लोबल एम्बेसडर। मास्टर कार्ड ने वैश्विक राजदूत किसे नियुक्त किया है, एम्बेसडर को हिंदी में राजदूत बोलते हैं, ओके, सो आंसर इज मास्टर कार्ड के एम्बेसडर हैं मैग्नस कार्लसन, मैग्नस कार्लसन। तो इसके लिए तो बस यही हिंट रखिएगा, मास्टर मैग्नस, मास्टर यूजली हम छोटे के लिए भी यूज करते हैं, है ना, मिस एंड मास्टर, और मैग्नस मैग्नम बड़े के लिए भी आप यूज कर सकते हो, थोड़ा सा हिंट इस तरह से जोड़ लीजिएगा, मम का भी कर सकते हैं, तो मास्टर मैग्नस ऐसे भी कर सकते हैं, मैग्नस कार्लसन। नेक्स्ट इज हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी इंडक्टेड एज ऑनररी मेंबर ऑफ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। बहुत इंपॉर्टेंट एक अपॉइंटमेंट रहा है इंडिया के लिहाज से अगर हम बात करें, बिकॉज एक इंडियन को ऑनररी मेंबर बनाया गया है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का यूनियन का फॉर द फर्स्ट टाइम। और वो कौन है व्यक्ति, उनका नाम है दोर्जे आंगशुक, और ये कहाँ के हैं, लद्दाख के हैं। तो आप ऐसे देख सकते हैं कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के लिए जो स्पेस वगैरह की स्टडी करते हैं हमारे डोर पहली बार खुले हैं, इंडियंस के लिए ये डोर पहली बार खुले हैं, तो डोर से दोर्जे आंगशुक का थोड़ा सा याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमन स्पीकर ऑफ असेंबली इन गुजरात। गुजरात असेंबली में पहली बार एक फीमेल स्पीकर नियुक्त हुई है, उनका नाम क्या है पूछा जा रहा है, तो आचार्य सरनेम है, नीमाबेन आचार्य। आचार्य क्या करते हैं, प्रवचन देंगे, कुछ बताएंगे, तो स्पीकर नियुक्त किया है, पहले तो फीमेल है ना, हम तो बदनाम है ज़्यादा बोलने के लिए, पता नहीं क्यों आई टॉक वेरी लेस एक्चुअली। सो आचार्य बोलते ही हैं तो नीमाबेन आचार्य को स्पीकर बना दिया गुजरात में, क्या बोलिए। चलिए फिर हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ CBDT। CBDT क्या है, डायरेक्ट टैक्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के चेयरमैन किसको अपॉइंट किया गया, नियुक्त किया गया, आंसर इज JB मोहपात्रा, सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं ये JB मोहपात्रा। पात्र समझते हो, बर्तन, बर्तन को पात्र बोलते हैं, तो मोहपात्रा तो पात्र है, डायरेक्ट टैक्स डालते जाओ, निकालने का तो ऑप्शन नहीं, डालते जाओ। तो बस ये छोटा सा एक पिक्चर आप बना सकते हो कि एक पात्र है और उसमें आप टैक्स डाल रहे हो, तो JB मोहपात्रा। नेक्स्ट चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर यानी CMD ऑफ भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के तौर पे कौन अपॉइंट हुए हैं, आंसर इज अरुण कुमार सिंह। नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू मालदीव्स, जो मालदीव्स हैं हमारे पड़ोसी, तो मालदीव्स में इंडिया के हाई कमिश्नर के तौर पे किनको नियुक्त किया है, मालदीव्स मुन्नू महावर। तो मुन्नू महावर एंड मालदीव्स याद रख पाएंगे, सब कुछ M से भी है, मालदीव्स जाना है और मुन्नू महावर, सो थोड़ा थोड़ा हिंट, बहुत एक थोड़ा यूनिक सा भी नेम है तो याद रह ही जाएगा, है ना, मुन्नू महावर मालदीव्स।
न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि CMD ऑफ यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस. यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कौन बने हैं? आंसर इज त्रिपाठी जी, SL त्रिपाठी. अब देखो नाम में है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, यानी कुछ लोग यूनाइट हो रहे होंगे. और त्रिपाठी, त्रि मतलब होता है तीन, तीन लोग हैं तो सरनेम में ही ज़्यादा लोग हैं तो यूनाइट हो ही रहे होंगे. ऐसा आप एक छोटा सा हिंट ले सकते हो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के न्यू CMD कौन है? SL त्रिपाठी त्रि. फिर आते हैं न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर यानी MD ऑफ एक्सिम बैंक, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया कौन बनी है? सो हर्षा भूपेंद्र बांगरी, बांगरी या बंगारी जैसे भी प्रोनाउंस किया जाता है, बांगरी होना चाहिए. सो हर्षा भूपेंद्र बांगरी हैज बिकम द न्यू एक्सिम मैनेजिंग डायरेक्टर. हर्षा खुश हैं ये, बस ऐसे याद रखिए कि इम्पोर्ट हो या एक्सपोर्ट हो, जो भी हो हम खुश हैं. फिर हम आते हैं CMD ऑफ नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड. नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? निर्लेप सिंह राय. निर्लेप, लेप यानी कोई लेयर चढ़ी हुई है ना, कुछ मुखौटा, कुछ लेप. निर्लेप यानी कोई भी लेयरिंग नहीं है, हम जैसे हैं वैसे ही दिख रहे हैं, तो निर्लेप का ये मतलब होता है. नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, फर्टिलाइजर आप ले सकते हो कि हमारे फर्टिलाइजर लगाने के बाद आपको और कुछ लेप करने की जरूरत नहीं, आपका पौधा बढ़िया से उगेगा. ऐसे एक छोटा सा हिंट आपने बना लिया फर्टिलाइजर और निर्लेप के बीच में. फिर हम आते हैं चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज. माइनॉरिटीज की नेशनल कमीशन के चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं? आंसर इज इकबाल सिंह लालपुरा. अब किसी के सर पे अगर एक ही बाल हो तो बाल तो बेचारा माइनॉरिटी में है ना. फटाफट याद करना होता है, मैं निमोनिक्स पे हमेशा जंप करती हूँ, तो माइनॉरिटीज इकबाल, एक ही बाल है किसी व्यक्ति का अगर, तो माइनॉरिटी में आ जाएगा उसका सर के वो बाल, और किसी के बहुत सारे बाल है तो मेजॉरिटी हो गया. तो बस ऐसे आप याद रख सकते हैं इकबाल सिंह लालपुरा साहब. चलिए फिर हम आते हैं बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन BRO हैज अपॉइंटेड हु एज द फर्स्ट वुमन आर्मी ऑफिसर कमांडिंग, जो कि उसकी 75 रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी उत्तराखंड में उसको हेड कर रही है, देख रही हैं. तो वो व्यक्ति कौन है जिनको फर्स्ट वुमेन आर्मी ऑफिसर कमांडिंग के तौर पे अपॉइंट किया गया? आंसर इज मेजर आईना. मेजर आईना, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो 75 रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी है, रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी RCC उत्तराखंड में, वहाँ पे आर्मी ऑफिसर कमांडिंग पहली वुमेन अपॉइंट की गई और उनका नाम है मेजर आईना. ओके चलिए नेक्स्ट. न्यू चीफ ऑफ एयर स्टाफ. ना ये बहुत बड़ी विडंबना थी कि जिस दिन मैंने आपको सारी मिलिट्री एक्सरसाइजेस वाली वीडियो पढ़ाई थी और उसी दिन जब मैं वो रिकॉर्ड कर रही थी उसी दौरान ये चेंज अनाउंस हो रहा था. और मैंने आपको भदौरिया साहब पढ़ाए थे, और जबकि चेंज हो गए, अब न्यू चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन बने हैं? एयर मार्शल VR चौधरी जी. ठीक है, तो आप याद रखेंगे. और एयरफोर्स डे कब है? 8 अक्टूबर. फाउंड कब हुई थी? 1932 में. हेडक्वार्टर्स है नई दिल्ली के अंदर. चलिए नेक्स्ट इज हु हैज टेकन चार्ज एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ NCC. स्कूल कॉलेज में हम NCC में पार्टिसिपेट करते थे, तो डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल कैडेट कॉर्प्स कौन नियुक्त हुए हैं? आंसर इज लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह. गुरबीर पाल सिंह, ओके. और ये 34 डायरेक्टर जनरल हैं, और इन्होंने तरुण कुमार लेफ्टिनेंट जनरल जो थे उनको रिप्लेस किया है, सक्सीड किया है. और NCC के बारे में देख लीजिए, 16 अप्रैल 1948 को ये बना था, और इसके हेडक्वार्टर्स भी नई दिल्ली के अंदर, न्यू दिल्ली के अंदर. फिर आते हैं हम कुछ न्यू गवर्नर्स जो अपॉइंट हुए सितंबर में. पूरी आपको मैंने वीडियो याद करवा दी है गवर्नर्स के ऊपर, सारे ही गवर्नर सभी स्टेट्स के हमने याद कर लिए हैं, चीफ मिनिस्टर सारे याद कर लिए हैं, पुराने और नए सब. तो अगर वो वीडियो नहीं देखी देख लीजिएगा. और यहाँ पे क्विक फटाफट से हम देख लेते हैं इस महीने में जो 4 न्यू अपॉइंटमेंट्स हुए. उत्तराखंड को मिले गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, पंजाब को मिले बनवारी लाल पुरोहित जी, तमिलनाडु को मिले RN रवि, और नागालैंड को मिले जगदीश मुखी जी. जगदीश मुखी जी ऑलरेडी असम के गवर्नर के तौर पे काम कर रहे थे, इनको एक एडिशनल चार्ज मिल गया है, और ये हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह. तो अब ट्रिक टेक्निक यहाँ नहीं बता रहे बिकॉज वीडियो में हमने ऑलरेडी बहुत डिस्कस कर ली है. तो ये 4 न्यू गवर्नर अपॉइंट हुए हैं, और 2 नए CM मिले हैं 2 राज्यों को सेप्टेम्बर के अंदर. पहला स्टेट है गुजरात, गुजरात को अपने CM मिले भूपेंद्र पटेल जी, और पंजाब को मिले चरणजीत सिंह चन्नी. और जो गवर्नर होते हैं वो अपॉइंट करते हैं चीफ मिनिस्टर्स और बाकी मिनिस्टर्स को एज पर आर्टिकल 164. ओके, चीफ मिनिस्टर्स की भी पूरी एक वीडियो है, गवर्नर्स की भी पूरी एक वीडियो है, चाहें तो आप देख सकते हैं, और कैबिनेट मिनिस्टर्स की भी है. ये 3 वीडियो हमने ऑन योर डिमांड
अपलोड की थी रिसेंटली. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज वन ऑफ द 17 SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एडवोकेट. एडवोकेट यानी जो प्रवक्ता जो बोलेगा उसके बारे में और, है ना. महासचिव नहीं, महासचिव नहीं, एडवोकेट ही, हिंदी में भी एडवोकेट लिखा गया. बाय द UN सेक्रेटरी जनरल इन 2021. UN सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुटेरेस. ओके, तो उनके द्वारा किसको अपॉइंट किया गया है 17 SDG एडवोकेट के तौर पे फ्रॉम इंडिया? आंसर इज कैलाश सत्यार्थी, जो कि नोबेल प्राइज मिल चुका है जिनको. और इनको एडवोकेट बनाया गया है चाइल्ड राइट्स से रिलेटेड, कि जो भी चिल्ड्रन राइट्स हैं या फिर जो भी स्टेप्स लिए जाने चाहिए चाइल्ड लेबर को कॉम्बैट करने के लिए, कॉम्बैट यानी फाइट करने के लिए, उनसे जुड़े हुए काम ये देखेंगे एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एडवोकेट. ओके, कैलाश सत्यार्थी. नेक्स्ट, फेसबुक ने अपॉइंट किए हैं अपने पब्लिक पॉलिसी हेड, उनका नाम क्या है आपसे पूछा जा रहा है. आंसर इज राजीव अग्रवाल. राजीव अग्रवाल, राग, राग द्वेष समझते हैं, प्यार और झगड़ा, राग द्वेष जो भी होता है पब्लिक पॉलिसी, यानी जब फेसबुक क्योंकि एक पब्लिक डोमेन में है तो जो भी राग द्वेष होगा उसको हैंडल ये करेंगे, ऐसे आप याद रख सकते हैं राजीव अग्रवाल. फिर हम आते हैं न्यू CEO ऑफ याहू. याहू, मैंने जिम ज्वाइन कर ली ऐसे आप याद रख सकते हैं जिम लैंजोन. जिम लैंजोन इज द न्यू CEO ऑफ याहू. याहू, ओके. नेक्स्ट, कुछ प्राइम मिनिस्टर्स चेंज हुए हैं देशों के, जल्दी से वो देख लेते हैं. प्राइम मिनिस्टर नए जो बने हैं लेबनन के, वो कौन हैं? नाजिब मिकाती. नाजिब मिकाती, तो हम लैब के अंदर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ काटते पीटते रहते हैं, काटी से लैब, लैब और काटी, लेबनन मिकाती, ये आप याद रख सकते हैं लेबनन नाजिब मिकाती. मोरक्को के नए प्राइम मिनिस्टर हैं अजीज़ अखानौच. अखानौच, सो अजीज़, मोर हमें बहुत अजीज़ है, क्यों? क्योंकि नेशनल बर्ड है, सो मोर इज़ वेरी अजीज़, सो आप ऐसे मोरक्को अजीज़ अखानौच याद रख सकते हैं. नेक्स्ट हम आते हैं कि कौन थर्ड टर्म के लिए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं कनाडा के, और आंसर इज जस्टिन ट्रूडो. जस्टिन ट्रूडो एंड ही इज़ बीइंग अ ट्रू प्राइम मिनिस्टर, ऐसे आप याद रख सकते हैं, क्योंकि बहुत कुछ अच्छा लेकर के आ रहे हैं कनाडा के लिए. कनाडा वाले तो यही बिलीव कर रहे हैं, इसलिए बार बार उनको थर्ड टर्म के लिए भी प्राइम मिनिस्टर बनाया है. जस्टिन ट्रूडो 2015 से पावर में है कनाडा में. ओके, एंड विद दिस वी आर डन विद अपॉइंटमेंट्स. नाउ लास्ट कैटेगरी फॉर दिस वीडियो वो है स्पोर्ट्स. वेरी गुड. अच्छा, स्पोर्ट्स में हम शुरुआत करेंगे पैरालंपिक्स से. पैरालंपिक का थोड़ा हिस्सा हमने अगस्त में भी देखा था, अगस्त वाले मंथली करंट अफेयर में, थोड़ा अब हम सितंबर में देखेंगे. आप लोग डिमांड कर रहे हो कि पूरी पैरालंपिक्स की एक वीडियो लाई जाए, बहुत जल्दी कोशिश करेंगे लेके आने की. चलिए शुरू करते हैं. पैरालंपिक्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, वो सब जो मेडल्स जीते हैं लोगों ने, है ना, जो हमारे प्लेयर्स ने, वो इंपॉर्टेंट रहेंगे. कुछ पार्ट अगस्त में आ चुका है, मैं फिर बता रही हूँ, नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा. सबसे पहला जो पॉइंट है, अब यहाँ पे हमने क्वेश्चन आंसर फॉर्म में नहीं रखा है, पॉइंटर्स रखे हैं. मरियप्पन थांगवेलु किससे जुड़े हुए हैं पैरालंपिक्स में? वेरी गुड, ये जुड़े हुए हैं हाई जंप से, और ये इस बार सिल्वर लेकर के आए हैं. थांगवेलु ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, बहुत से अवार्ड जीत चुके हैं, जैसे कि 2017 में पद्मश्री मिला था, अर्जुना अवार्ड मिला था, और 2020 के अंदर इनको ध्यानचंद खेल रत्न, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला. नाम अब बदला है, उस समय राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड नाम था. ठीक है, तो ये हैं मरियप्पन थांगवेलु, इनको सिल्वर मिला हाई जंप में. फिर प्रवीण कुमार अगेन ही गॉट सिल्वर इन पैरालंपिक्स, और ये भी हाई जंप में सिल्वर लेकर के आए हैं. ओके, सो वी गॉट टू सिल्वर इन हाई जंप, वन बाय थांगवेलु, वन बाय प्रवीण कुमार. फिर हम आते हैं ब्रॉन्ज. हाई जंप में हमें ब्रॉन्ज मेडल भी मिला T63 कैटेगरी के अंदर. ये अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, डिसेबिलिटी का कितना परसेंटेज है उसके बेसिस पर डिसाइड की जाती है. कई बार अगर आपका लेग नी से ऊपर एम्प्यूटेड है या नीचे है, सो देयर आर वेरियस कैटेगरीज. T63 कैटेगरी में शरद कुमार ने ब्रॉन्ज जीता है, और इन्होंने 2014 में T42 कैटेगरी के अंदर गोल्ड जीता था ऑलरेडी. अब ये T63 कैटेगरी में ब्रॉन्ज जीते हैं इस बार. देन हम आते हैं तीरंदाजी यानी आर्चरी. पहली बार हमें पैरालंपिक्स में आर्चरी में कोई मेडल मिला है यानी इंडिया को, और हरविंदर सिंह ने लिया है ब्रॉन्ज आर्चरी के अंदर. आर्चरी इज तीरंदाजी एंड हरविंदर सिंह
फर्स्ट एवर आर्चर टू विन अ मेडल इन पैरालंपिक्स। फिर हम आते हैं शटलर्स की तरफ, बैडमिंटन कैटेगरी अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे एक गोल्ड मिला, एक ब्रॉन्ज मिला। गोल्ड किसने जीता? प्रमोद भगत ने। एंड ब्रॉन्ज लेकर के आए हैं मनोज सरकार। ये दोनों बैडमिंटन में रहे। और फिर हम देखेंगे शूटिंग के अंदर ऑल्सो वी गॉट अ ब्रॉन्ज मेडल 10 मीटर एयर पिस्टल में, सिंहराज अधाना। तो ये सारे मेडल्स थे। आप बहुत पैरालंपिक्स के बारे में ऑलरेडी वीडियोस देख चुके होंगे, न्यूज़ में भी कवरेज देखा होगा, बिकॉज आपको पता है स्पोर्ट्स अब बहुत इंपॉर्टेंट है देश के लिए भी और एग्जाम के लिए भी, तो उसको छोड़ेंगे नहीं हम, है ना। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पैरालंपिक्स से रिलेटेड हो गए। अब देख लेते हैं कि फ्लैग बेयर कौन थे ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी में। ओपनिंग सेरेमनी जब हुई थी तो हमने पढ़ लिया था टेकचंद वॉज दी फ्लैग बेयरर इन दी ओपनिंग सेरेमनी। और क्लोजिंग सेरेमनी जो थी पैरालंपिक्स की, उसमें फ्लैग बेयरर कौन थी? इंडियन शूटर अवनी लेखरा। इनके बारे में हमने अगस्त में पढ़ा था, दैट शी हैड वन गोल्ड इन टू शूटिंग। देन अब ये हो गया पैरालंपिक्स की कहानी खत्म। अब दूसरे न्यूज पे, स्पोर्ट्स न्यूज पे चलते हैं। हाउ मेनी टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग इन 130th एडिशन ऑफ दुरंत कप? इस बार दुरंत कप हो रहा है, कौन सा एडिशन है इसका? 130th एडिशन है। कहाँ होगा इंडिया में? कोलकाता में। उसमें भी विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगण यहाँ पे ये खेला जाएगा और उसमें 16 टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी। ओके, इसके बारे में भी हमने लास्ट मंथ वाली करंट अफेयर्स में डिटेल में चर्चा कर ली थी। फिर हम अगले सवाल पे आते हैं कि कौन से गोल्फर हैं जिनको प्रेस्टीजियस गोल्डन वीजा मिला है दुबई का, आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स के चलते। ओके, गोल्डन वीजा ऑफ दुबई उनको मिला है 10 साल के लिए। ओके, कौन है ये? पद्मश्री 2007 में इनको मिला, इंटरनेशनल गोल्फर जीव मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह जी के सुपुत्र जीव मिल्खा सिंह, इनको ये वीजा मिला है, गोल्डन वीजा फॉर दुबई। और इनको अर्जुना अवार्ड भी मिला था 1999 के अंदर। क्या खेलते हैं? गोल्फ। चलिए नेक्स्ट, कमिंग ओवर टू यूएस ओपन। इससे पहले के जो ग्रैंड स्लैम्स थे वो हमने अगस्त करंट अफेयर्स में डिस्कस कर लिए थे, यूएस ओपन रह गया था जो कि अब सितंबर में डिस्कस होना था ऑफकोर्स। सो किसने विमेंस और मेन सिंगल टाइटल जीते हैं यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट के अंदर? सो विमेंस में ब्रिटेन की एमा राडुकानू, और इन्होंने हराया कैनेडा की लेला फर्नांडेज को। ओके, एंड मेंस में बात करें तो नोवाक जोकोविक को हराने वाले कौन रहे जिन्होंने यूएस ओपन जीता? रशिया के डेनियल मेडवेडेव। नोवाक जोकोविक सेकेंड आए, बाकी सारे ग्रैंड स्लैम्स में नोवाक जोकोविक विनर रहे थे। चलिए फिर हम आते हैं, विच कंट्रीज फॉर्मर क्रिकेटर माइकल होल्डिंग ने रिटायरमेंट ले लिया है कमेंट्री से हाल ही में? कौन से देश से जुड़े हुए थे? वेस्ट इंडीज़ की लोकेशन आपको दिखा रखी है। वेस्ट इंडीज़ की लोकेशन दिखाई हुई है, ठीक है। सो पूछा जा सकता है माइकल होल्डिंग जिन्होंने हाल ही में कमेंट्री से रिटायरमेंट लिया है वो कौन से देश से बिलोंग करते हैं? तो वेस्ट इंडीज़। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, कौन से एशियन स्नूकर टाइटल जीतने वाले व्यक्ति हैं, मतलब या फिर किसने जीता है एशियन स्नूकर टाइटल दोहा में? एक्चुअली जीता तो क्या है, डिफेंड किया है अपने टाइटल को, पहले भी इन्हीं के पास था, इन्होंने डिफेंड किया है। आंसर इज पंकज आडवाणी। और पंकज आडवाणी ने 23 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है स्नूकर खेलने में। ओके, बिलियर्ड्स, इंडियन बिलियर्ड्स एंड स्नूकर प्लेयर हैं। अर्जुना अवार्ड मिल चुका है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न मिल चुका है 2006 में, देन पद्मश्री 2009 में, पद्म भूषण 2018 में। तो ये सारे अवार्ड मिल चुके हैं और इन्होंने हाल ही में एशियन स्नूकर टाइटल वापस अपने नाम कर लिया है। फिर हम आते हैं थोड़े चेस की दुनिया की तरफ, तो ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने नॉर्वे चेस ओपन 2021 जीत लिया है। ओके, और ये चेन्नई तमिलनाडु को बिलोंग करते हैं। 2019 में इन्होंने ग्रैंड मास्टर का टाइटल हासिल किया था। अगला क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है कि बिल्कुल रिसेंटली 70th और लेटेस्ट चेस ग्रैंड मास्टर इंडिया के कौन बन गए हैं? एंड द आंसर इज आर राजा ऋत्विक। तो ये लेटेस्ट ग्रैंड मास्टर हैं इंडिया के 70th नंबर के। और पिछले वाले वीडियो में, पिछले महीने के वीडियो में हमने ढंग से डिस्कस किया था ग्रैंड मास्टर्स क्या होते हैं एक्सेट्रा, तो आपने आई एम श्योर देखा होगा। तो वापस हम यहाँ पे टाइम नहीं लगाएंगे, अगले पॉइंट पे चलते हैं। ज्योति सुरेखा वेन्नम हैज रिसेंटली वन सिल्वर मेडल इन विच स्पोर्ट इवेंट फॉर इंडिया
इन द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। यानी कि ज्योति सुरेखा वेनम ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के लिए कौन से खेल स्पर्धा में रजत पदक जीता है? रजत पदक बोले तो सिल्वर मेडल। आंसर इज आर्चरी, तीरंदाजी। वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप जो हो रही है यूएस में, उन्होंने यहाँ पे ये मेडल हमारे लिए जीता। फिर आते हैं हम फॉर्मूला रेसिंग पे, दो नाम जो आपस में भिड़ते रहते हैं। हु वन रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2021? तो ल्यूइस हैमिल्टन। एंड डच ग्रैंड प्रिक्स? मैक्स वर्स्टैपन। तो अब आप एक लिस्ट बनाते जाइएगा कौन कौन से ग्रैंड प्रिक्स जो हैं वो वर्स्टैपन ने जीते हैं, कौन से हैमिल्टन ने जीते हैं, बिकॉज हर महीने ये दो ही हैं मेजॉरिटी टाइम जो कॉम्पीट करते हैं फॉर फर्स्ट पोजिशन। सानिया मिर्जा एंड हर चाइनीज पार्टनर शुआई जांग विन विमेंस डबल टाइटल ओस्ट्रावा ओपन टेनिस। ये क्वेश्चन नहीं है, एक सीधे पॉइंटर दिया है कि ओस्ट्रावा ओपन टेनिस में सानिया मिर्जा और उनकी जो चाइनीज पार्टनर, उन्होंने ये टेनिस चैंपियनशिप जीती। एंड आखिरी जो पॉइंट आ रहा है आज के वीडियो के लिए वो ये है कि किसने जीता 1500 मीटर इन 60th नेशनल एथलेटिक चैंपियनशिप्स। 1500 मीटर क्या रेस में गोल्ड। सो 60th नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 1500 मीटर दौड़ में गोल्ड किसने हासिल किया? आंसर इज हरमिलन कौर बैंस, और उन्होंने 19 ईयर ओल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ लिया है हरमिलन कौर बैंस। एंड विद दिस गर्ल्स एंड बॉयज, लेडीज एंड जेंटलमैन एंड माय लवली डियर स्टूडेंट्स, वी हैव रीच्ड टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई रियली होप सब कुछ समझ में आ गया होगा। करंट अफेयर्स में दो ही बातें इंपॉर्टेंट होती है, क्या पढ़ना है, है ना, और कैसे दिमाग में स्टोर रखा जाए। तो उन दोनों में कोशिश की जाती है आपको मदद करने की। आई रियली होप आपको पसंद आया होगा। स्टे हंग्री फॉर नॉलेज, बिकॉज दिस हंगर ओनली विल टेक यू प्लेसेस। एंड इंडिविजुअल पीडीएफ के लिए parcham.in वेबसाइट पे जा सकते हो, पीडीएफ बैंक के लिए परचम ऐप पे जा सकते हो। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट क्वेरी हो तो कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, पीडीएफ रिलेटेड है तो मेल कर सकते हो, ऐप रिलेटेड है तो ऐप पे बातचीत कर सकते हो, हर जगह से आपको रिस्पॉन्स डेफिनेटली मिलेगा। अंटिल वी मीट नेक्स्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड स्टडी वेल। बाय।